नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त बुधवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार की रात भारी हिंसा हुई। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेंगलुरु में भड़की इस हिंसा में एसीपी समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना इलाके में हुई। दोनों इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है। बवाल सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने को लेकर हुआ। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने फेसबुक पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था, हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दी गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बुधवार सुबह विजयपुरा से बेंगलुरु जा रही निजी कंपनी की बस में आग लगने की वजह से 5 यात्री जिंदा जल गए। यह घटना चित्रदुर्ग जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में 32 यात्री सवार थे और जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर KR हल्ली के पास आग लगी। मृतकों में 2 बच्चों के साथ एक महिला भी शामिल है। बस के इंजन में कोई खराबी आने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर SP राधिका पहुंची हैं। घायलों को नजदीक के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले में देर रात ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11,36,000 रुपए के साथ SI केसर सिंह को पकड़ा है। ACB टीम ने SI के पास 3 कार्टन शराब भी जब्त की है। ACB की आकस्मिक चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की। ACB के ASP रमेश मौर्य ने यह कार्रवाई DG आलोक त्रिपाठी और ADG दिनेश MN के नेतृत्व में की। अब आबकारी विभाग SI केसर सिंह को गिरफ्तार करेगा। जानकारी के अनुसार SI महंगी शराब का शौकीन बताया जा रहा है। रिश्वत की राशि के अंदेशे में ACB ने यह कार्रवाई की। SI केसर सिंह नरुक्का का हाल ही में खींवसर से तबादला हुआ था। अलवर जिले के मुंडावर में बीती रात अंधेड़ की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने 60 वर्षीय राम सिंह निवासी तिनकी रूडी गांव की पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर निमराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, वहीं बदमाशों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम की नगरी में इस बार जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ऐसा 300 साल में पहली बार हुआ है जब बाबा श्याम के मंदिर जयकारे नहीं गूंजेंगे। मंदिर कमेटी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया। बता दें कि हर लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्याम नगर पहुँचते हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू पुलिस ने देर रात साबू के बंगले पर जुआ पर लगाते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि माउंट आबू के औरिया गांव में यह कार्रवाई की। पुलिस ने यह कार्रवाई SP पूजा वाना के निर्देशन में की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 4,53,000 रुपए की राशि, 3 लग्जरी कार सहित 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के सिकराय में सिकंदरा थाना क्षेत्र के झापड़ावास में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से माँ व बेटा, बहू सहित बालिका घायल हो गई। यह सभी खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, इस दौरान यह हादसा हो गया। घायलों को गांव के निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया है। घायल चारों लोग रानोली गाँव के निवासी हैं। बाड़मेर जिले के मंडली थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम से हवानियत करने की जानकारी सामने आई है। रिश्ते में लगते मामा ने भांजे को हवस का शिकार बना डाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। करतूत छिपाने के लिए मासूम को दफना दिया गया। चंवर थाना पुलिस ने बताया कि आज मासूम का गड़ा हुआ शव बाहर निकाला जाएगा। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जयपुर जिले के बजाज नगर थाना क्षेत्र में नोटिस तामील करवाने गई पुलिस टीम से धक्का मुक्की होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस की टीम एक महिला को नोटिस तामील करवाने गई थी, लेकिन घर जाते समय आरोपी ने टीम से धक्का मुक्की कर दी। इस मामले में पवन नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में दाखिलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने कॉलेजों में दाखिलों के लिए तिथि बढ़ाई है। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए विद्यार्थियों को राहत दी है। अब 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पूर्व में 11 अगस्त तक निर्धारित तिथि थी। यूजी फर्स्ट ईयर के 20 अगस्त तक आवेदन हो सकेंगे। इसके लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत अंतरिम सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। पहली प्रवेश सूची 5 सितंबर को जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कोविड की स्थिति सामान्य होने पर होगी। अब ऑनलाइन क्लासेस 9 सितंबर से शुरू होंगी। जयपुर जिले में सच्चे प्रेम का दुखद अंत हो गया। जानकारी के अनुसार श्यामनगर थाना क्षेत्र में पत्नी ने फोन पर पति को पागल कहा। इसी बात से खफा होकर पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले रवि ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में कहा कि मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अभी वो अपने पीहर गई हुई है। आज मैंने उसे फोन किया था, उसने मुझे कहा पागल हो तुम, इसी कारण मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र के खौरी कलां गांव के पास पहाड़ी तलेटी में भरे बरसाती पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक फरदीन अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक युवक गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलते ही तिजारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.